अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टेक्निकल एसएम ऑफिशियल। आज की इस नई वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बैंक्स की जॉब जो लेटेस्ट अनाउंस की गई हैं। आज उन बैंकों का हम जो करियर पोर्टल्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है टेक्निकल एसएम ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत मुफीद वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। तो सबसे पहले बैंक को जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे वो है जो कि फेमस बैंक्स हैं, फैसल बैंक्स हैं, उसके अलावा अल्फला बैंक और बैंक इस्लामी है। तो हम अल्फला बैंक से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ टाइप करेंगे अल्फला, इसके करियर पोर्टल को आज एक्सप्लोर करेंगे। तो जब आप सर्च करेंगे आपके सामने करियर अपॉर्चुनिटीज़ का पहला ही वेबसाइट आपको शो हो जाएगी। आपने इसकी वेबसाइट पर क्लिक करना है तो आपको फ्रेश भी और एक्सपीरियंस दोनों की जो जॉब सेक्रेट ओपनिंग्स हैं दोनों को आज हम एक्सप्लोर करेंगे और आप ज़रूर इसमें अप्लाई भी कीजिएगा। तो थोड़ा टाइम लेती है ओपन होने में। तो सबसे रिक्वेस्ट है लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। चेक करते हैं कौन कौन सी इनकी करंट ओपनिंग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसे हमने क्लिक करके ओपन करते हैं इसे। हमने क्लिक कर दिया इस पर। तो गाइस हमारे पास ये ओपन होगी हुई है। हमारे पास जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल में जो करंट ओपनिंग्स हैं वो क्लस्टर मैनेजर की है ट्रेड सेल में। इसके अलावा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 7 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है और जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद के लिए ये करंट ओपनिंग्स अवेलेबल हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपनी तमाम एजुकेशनल प्रोफेशनल सब कुछ अपनी जब मालूम देने के बाद उसको यहाँ सबमिट करेंगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो हम बारी बारी सबको एक्सप्लोर करते हैं इसकी मज़ीद करंट ओपनिंग्स को। थोड़ा ये टाइम लेती है इनकी वेबसाइट लेकिन ये ओपन हो जाती है। जो नेक्स्ट जिसको हम रिव्यू करने वाले हैं वो इसके नीचे बैग नीचे इसके अवेलेबल है। जो नेक्स्ट का रिव्यू करते हैं, नेक्स्ट है इसके मैनेजर ट्रेड की जॉब है। इसके 5 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। जो नेक्स्ट है अप्लाई नाउ करने का तरीका सब में एस जस्ट सेम होगा। ऑफिसर ट्रेड की जॉब है, इसमें 2 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपका सेल्स ऑपरेशन में। इसके अलावा ऑल मेजर सिटीज़ में आपको ये सिटीज़ में जॉब्स अवेलेबल हैं। रिलेशनशिप मैनेजर एसएमई की जॉब अवेलेबल है, इसके लिए 2 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है। बेसिकली ग्रेजुएशन ही रिक्वायर्ड करते हैं, 4 साल का बीएस जो होता है वो रिक्वायर्ड किया जाता है। इसके अलावा प्रीमियर रिलेशनशिप मैनेजर इस्लामिक के लिए जॉब है, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और 3 साल का लाइबिलिटी सेल एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड किया जा रहा है। पैन पाकिस्तान लोकेशन इसकी होगी। उसके अलावा ब्रांच मैनेजर की जॉब है, ग्रेजुएशन और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा काउंटर सर्विस ऑफिसर की बात की जाए तो ग्रेजुएशन और फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल के एक्सपीरियंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी सेकंड लास्ट है वो रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब है, उसमें ग्रेजुएशन और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है आपसे। उसके अलावा रिलेशनशिप मैनेजर प्रीमियर बैंकिंग की जॉब है, इसमें ग्रेजुएशन और 3 साल का आपसे लाइबिलिटी सेल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है। और अप्लाई नाउ करने का जिक्र सब में आपके लिए सेम होगा। तो अब हम इसके बाद अल्फला की रिव्यू करेंगे जो फ्रेशर्स के लिए जो उन्होंने अनाउंस की गई हैं करंट अपनी ओपनिंग्स, तो उनको भी आज हम एक्सप्लोर करते हैं। हम इनके फ्रेश ग्रेजुएट पोर्टल पर क्लिक करते हैं इनके। आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी वैकेंसी उन्होंने यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। तो फ्रेशर्स के लिए जो है वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनकी, ठीक है। इसमें आप ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, मतलब कि इसका जो 4 से 8 साल का इसका इंटर्नशिप वीक ड्यूरेशन होगा और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को वो करेंगे जो जॉब के लिए अवेलेबल होंगे, जो जॉब करेंगे यहाँ पर बंगाल फिलहाल में। कॉल सेंटर ऑफिसर के लिए बैचेस इनके अनाउंस होते हैं इनके, जो कि इनके लिए ग्रेजुएशन और कम से कम 14 ईयर्स का एजुकेशन मुकम्मल हो इनकी और बिलो 30 वाले एलिजिबल होंगे। फ्रेश कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई इजीली कर सकते हैं और क्रॉस पाकिस्तान लोकेशन इसकी होगी। इसके अलावा रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड की जा रही है, फ्रेशर और 1 साल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एसोसिएट प्रीमियर रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब है इस्लामी के लिए, ग्रेजुएशन और फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मज़े की बात है। कॉल सेंटर ऑफिसर, इसके लिए ग्रेजुएशन और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं,
लास्ट है एसोसिएट प्रीमियर रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब है, इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ फ्रेशर और 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड किया जा रहा है। तो गाइस ये थी बैंक अल्फा की जॉब है। तो नेक्स्ट हम जल्दी से मूव करते हैं फैसल बैंक की जॉब है, उसको करियर पोर्टल को आज एक्सप्लोर करते हैं। इसकी जॉब करंट ओपनिंग्स को हम देखते हैं कौन कौन सी इसमें अनाउंस की जा रही हैं। तो गाइस इसमें आज जो अनाउंस की गई थी 2 जनवरी को वो एक ही है। इसमें हम चेक करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर लाइबिलिटीज़ की जॉब है, तो इसमें क्या मांगा जा रहा है आपसे, पोजीशन में एक ही होगी, जॉब टाइप से फुल टाइम परमानेंट होगी, इसमें लोकेशन कराची की है, एनी जेंडर्स में अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की जा रही है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 12 फरवरी इसकी लास्ट डेट होगी 2023। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप इसमें आप चेक आउट कर सकते हैं। बाकी करंट ओपनिंग्स के लिए इसमें आप अपने CV भी ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद। अप्लाई नाउ कैसे करना है, आपने अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अप्लाई नाउ करने का ऊपर बटन भी अवेलेबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएंगे। जो भाई लास्ट आज वीडियो की है वो बैंक इस्लामी है, इस्लामी करियर को आज हम एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली मिलती रहें। तो इस पर हमने क्लिक किया, इसका हम करियर पोर्टल को आज भी एक्सप्लोर करते हैं। तो बैंक इस्लामी का कुछ इस तरह से आपको शो होगा, इनका काफ़ी इनके पोर्टल्स अलग अलग बने हुए हैं, तो हम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस पर हमने क्लिक किया, तब तक आप वीडियो को लाइक करें। तो जो इनका नीचे आप लोग ट्रैक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ब्रांच मैनेजर क्रॉस पाकिस्तान की जॉब अवेलेबल है। इसमें जो आपसे मांगा जा रहा है वो बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की जा रही है, इसके अलावा आपसे जो एक्सपीरियंस है वो 5+ साल का एक्सपीरियंस है मांगा जा रहा है ब्रांच सेल में। अप्लाई नाउ करने का बटन अवेलेबल है, इस पर अप्लाई नाउ करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो बिल्कुल सेम रिलेट करता है HBL बैंक अल हबीब के फॉर्म जैसा है। मैं अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे, अपने रेज्यूमे अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो अपलोड हो जाएगी। तो हम बारी बारी इनके मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ को करते हैं एक्सप्लोर। कस्टम सर्विस मैनेजर की जॉब है क्रॉस पाकिस्तान में, इसको ट्रैक करते हैं। इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है, ग्रेजुएशन और कम से कम आपसे जो 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है। फ्रेशर में भी में अप्लाई नहीं, फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ करने का तरीका है जो सेम होगा, कस्टमर सर्विस ऑफिसर का हायरिंग अक्रॉस पाकिस्तान, इसमें आपसे जो रिक्वायर किया जा रहा है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 साल का एक्सपीरियंस कस्टमर डीलिंग में रिक्वायर्ड किया जा रहा है, इसके अलावा 16 साल की ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड की जा रही है आपसे एजुकेशन। इसके अलावा पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर की जॉब होगी एक्सपीरियंस में, लास्ट जो जॉब है इसका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा ग्रेजुएशन डिग्री आपसे रिक्वायर्ड की जा रही है। अप्लाई नाउ करने का तरीका एज इट इज में सेम होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है इनका, जिसमें कुछ शर्तें होंगी, तो वो कौन कौन सा क्राइटेरिया है वो भी हम उसमें चेक कर लेते हैं। कम से कम इसमें बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा 3 साल का CGPA और इससे अबव वाले, इसके अलावा मिनिमम फर्स्ट डिवीजन इन मैथ में, इसके अलावा इंटरमीडिएट में, इसके अलावा एंड इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स यानी कि रिक्वायर्ड किया जा रहा है। प्रोफेशनल इसमें हो कमांड उसमें हासिल हो आपकी, इसके अलावा कम से कम 25 साल की मैक्सिमम एज मांगी जा रही है। अप्लाई नाउ करने का तरीका सेम होगा। तो बात की जाए बाकी तमाम इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जिसमें शामिल है आपके CA ACCA ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके अलावा ग्रेजुएट ट्रेनिंग ब्रांच प्रोग्राम है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके अलावा मदारस जो आपका ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें जितने भी मतलब कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स 1 2 3 4 5 सब में क्राइटेरिया एज सेम होगा कि 3.0 का अबव का CGPA है, मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड की जा रही है, इसके अलावा 25 साल की मैक्सिमम एज, सब में आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एज इट इज सेम चलता रहेगा। तो देर किस बात की, जाएं अभी इन बैंक्स में अप्लाई करें और ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपकी शेयर करने से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। तो जल्दी से जाइए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वॉच कीजिएगा हमेशा रियल कॉन्टेंट को।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।